पर्दे पर उनकी एंट्री होते ही लोग तालियां बजाते थे। सिंगल स्क्रीन का जमाना था तो लोग सीटियां बजा बजा कर पूरा माहौल सीटीएम यानी केक सिस्टम कर देते थे। उनके चलने का अंदाज ऐसा होता था जैसे कि कोई लीडर चल रहा हो। उनकी हर बात निराली होती थी। चश्मे से झांकती गुस्से में भरी आंखें, बेल बॉटम जीन्स और फैशन से भरी रंगीन शॉर्ट जैकेट, ये सब कुछ उन्हें पर्दे पर भगवान बना देता था। ये तो सिर्फ आउटलुक की बात है, स्टारडम और एक्टिंग दोनों के ही मामले में ये उस्ताद थे। सामने किसी के भी को भी टिकने नहीं देते थे, जो सामने आया पर्दे पर उसे ये खा ही गए थे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो जवाब है कि हम किसकी नहीं किन की बात कर रहे हैं। असल में हम दो समकालीन और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ एक ही समय पर अलग अलग फिल्मों से अपने स्टारडम में चार चांद ही नहीं लगाए, बल्कि एक साथ मिलकर भी कई सुपरहिट फिल्में दी। ये नाम इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार्स के हैं, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना। अब जब दो महारथी एक साथ एक ही मैदान पर अपनी ताकत दिखाने में लगे हो, तो ऐसा मुमकिन तो नहीं कि इनका सामना एक दूसरे से ना हो। यही हुआ और अमिताभ और विनोद खन्ना के बीच भी। आज हम उन दोनों के बीच चले उस कोल्ड वॉर पर बात करेंगे, जिसे दोनों ने सार्वजनिक रूप से कभी माना तो नहीं, लेकिन फिल्मी दुनिया की गॉसिप्स में उनके किस्सों का अपना एक हिस्सा रहा है। दोनों के करियर की शुरुआत हुई थी आसपास, और एक बना एंग्री यंग मैन तो दूसरा विलन से हीरो। बात शुरू करते हैं दोनों के करियर की शुरुआत की, जहां अमिताभ ने 1969 में पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में नजर आए और काफी ज्यादा फ्लॉप फिल्मों के बाद उनकी पहली हिट फिल्म जंजीर 1973 में रिलीज हुई। वहीं विनोद खन्ना उसके पहले ही इंडस्ट्री में उनके पांव जमा चुके थे, वो स्टार पहले ही बन चुके थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत विलेन के तौर पर की थी, लेकिन उनकी कदकाठी और चेहरा देखकर उन्हें फिल्मों में हीरो का रोल मिलने लगा था। बतावे चले कि उनकी जो दोनों की जो केमिस्ट्री थी, जो दोनों की जो ऑन स्क्रीन जोड़ी थी, विनोद खन्ना ने 1968 में मन का मीत से करियर की शुरुआत की। फिल्म में लीड हीरो का रोल सुनील दत्त ने निभाया था। इसके बाद मस्ताना, मेरा गांव, मेरा देश, आन, मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, ऐलान, सच्चा झूठा जैसी कई फिल्में की, और इन्होंने निगेटिव रोल भी प्ले किया, लेकिन गुलजार की नज़र अब जब उन पर पड़ी तो उन्होंने विनोद को हीरो बना दिया। विनोद को मेरे अपने और अचानक जैसी फिल्मों के लिए साइन कर लिया। दोनों फिल्मों से उन्हें अब हीरो के तौर पर भी पहचान मिलने लगी। जी हाँ, खुद को विलन से हीरो में बदलना एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब दोनों का जो स्टारडम फेज था लगभग एक ही समय पर शुरू हुआ था। दोनों की एक के बाद एक हिट फिल्म में आना काफी ज्यादा शुरू हो गई। दोनों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग बन गई। फैंस के बीच में बहस का मुद्दा भी बन गया कि दोनों में आखिर बेहतर कौन है। बताते चले कि 70 और 80 का दशक ऐसा था जब इन दोनों लीजर ने अलग अलग कई मल्टी स्टारर फिल्में में काम किया। इनमें से कई फिल्में ऐसी थी जिनमें कि विनोद खन्ना और अमिताभ दोनों एक साथ भी नजर आए, जैसे कि परवरिश, अमर अकबर एंथनी, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना, रेशमा और शेरा। जी हाँ, अमिताभ से ज्यादा फीस लेने लगे थे विनोद खन्ना। एक समय ये था कि जब अमिताभ से ज्यादा विनोद खन्ना की पूछ होने लगी। विनोद खन्ना और अमिताभ जब भी बड़े पर्दे पर दिखे तो उनके बीच ऐसी दोस्ती दिखी कि लोगों को याद रह गई, लेकिन क्या ये दोस्ती पर्दे के बाहर भी ऐसी थी? खबरों की माने तो विनोद खन्ना ने फिल्म हीरा फेरी के लिए अमिताभ से 1 लाख ज्यादा फीस ली थी। वजह बताई जाती है कि विनोद खन्ना ये जाहिर करना चाहते थे कि वो अमिताभ से बड़े स्टार है। साथ ही मेकर्स मान भी गए, जहाँ अमिताभ को 1.5 लाख रुपए मिले तो वहीं विनोद ने अपने रोल के लिए 2.5 लाख रुपए लिए। बताते चले कि इसके बाद ही जब अमिताभ बच्चन पर लगने लगे थे विनोद खन्ना का स्क्रीन टाइम कटवाने का आरोप। जी हाँ, दरअसल बताते चले कि विनोद खन्ना जब भी अमिताभ के साथ फिल्मों में दिखे तो उनके रोल अमिताभ से ज़्यादा पावरफुल रहे, साथ ही उनका स्क्रीन टाइम भी अमिताभ से ज़्यादा होता था। इसी दौरान अमिताभ पर यह आरोप लगने लगे थे कि वो विनोद खन्ना के रोल को कटवाते हैं। हालांकि इस बारे में विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन ने कभी भी कोई बात नहीं की, साथ ही दोनों ने कभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं की। बताते चले कि विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन का क्या कहना था एक दूसरे के बारे में।
बताते चले कि विनोद खन्ना और अमिताभ दोनों ही एक दूसरे को दोस्त मानते थे। विनोद खन्ना ने खुद कहा था कि हमारे बीच कोई दुश्मनी कभी थी ही नहीं, हम एक समय पर फिल्में कर रहे थे इसीलिए हम कॉम्पिटिटर जरूर थे। वहीं विनोद ने जो बॉलीवुड से बैकब्रेक लिया था तो अमिताभ ने कहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है और वो वहाँ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग बड़े मुझे बॉलीवुड में अकेला छोड़ गए थे, ऐसा कहना अमिताभ का था। बताते चले कि अमिताभ बच्चन भी स्टारडम देने में विनोद खन्ना का अहम रोल था। बताते चले कि अमिताभ को स्टारडम देने में विनोद खन्ना का ही अहम रोल था। जब दोनों ही अपने करियर के पीक पर थे, अचानक से विनोद खन्ना बॉलीवुड छोड़ कर संन्यास की ओर रुख कर गए और वहीं अमेरिका में ओशो के आश्रम चले गए थे और ओशो ने उन्हें नया नाम स्वामी विनोद भारती दे दिया। हालांकि वो करीब 5 साल बाद फिर से बॉलीवुड में इंसाफ से वापसी से लौटे, लेकिन तब तक अमिताभ बच्चन एक बड़े स्टार बन चुके थे और जैसा कि बॉलीवुड के लिए कहा जाता है कि जो भी दिखता है वो बिकता है, तो वैसे ही विनोद खन्ना दिखना ही बंद हो गए, लेकिन अमिताभ बिकते रहे और बिकते रहे। ऐसे में अमिताभ का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन देने वाला विनोद खन्ना न खुद ही अमिताभ की राह से आसान कर दी और खुद अमिताभ की राह से हट गए। बताते चले कि विनोद खन्ना आज इस दुनिया में नहीं है, एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था और उन्होंने हाल के दौर की कई फिल्में जैसे कि वांटेड और दिलवाले जैसी फिल्मों में भी काम किया था। बताते चले कि अमिताभ बच्चन आज बॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं, उनका स्टारडम हर रोज़ और चमकीला होता जा रहा है। दोनों की राइवलरी को लेकर अगर बातें कुछ भी हों, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही बॉलीवुड के लीजेंड हैं और दोनों को उनके काम के लिए ही 50 साल बाद के बॉलीवुड में भी जाना जाएगा। गुरुवार का दिन था, जब तारीख थी 27 अप्रैल 2017, समय था सुबह 11:30 बजे। खबर आई कि दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना अब नहीं रहे, वो एडवांस ब्लैडर कैंसर से पीड़ित थे। सिनेमा की दुनिया की हर एक फैन को जैसे गहरा झटका लग गया। 2 अप्रैल 2017 को ही विनोद खन्ना को मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वो लंबे समय से बीमार थे, लेकिन परिवार ने उनकी बीमारी की बात छुपा कर रखी और लेकिन मौत से 1 दिन पहले ये तस्वीर सामने आई थी, जिसे देख किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। बताते चले कि खुद अमिताभ बच्चन भी अपने साथ के एक्टर को देखकर दंग रह गए थे और निधन से 1 दिन पहले अस्पताल से उनकी तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। तस्वीर में एक बेहद कमजोर शख्स बिल्कुल ही मेरे ही हालत में दूसरों के कंधे का सहारा लेके खड़ा था। कहा गया कि विनोद खन्ना है, यकीन करना जायज भी नहीं था, जैसे लंबे चौड़े और बेहद ही खूबसूरत विनोद खन्ना ने पर्दे पर आखिरी दम तक राज किया। भला कौन यकीन करता कि वो अंतिम दिनों में ऐसे दिखने लगे। बताते चले कि विनोद खन्ना जिसकी पॉपुलैरिटी देख कभी अमिताभ बच्चन भी सकपका गए थे और डरने लगे थे कि नंबर वन की कुर्सी छीन जाएगी। पाकिस्तान के पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को पैदा हुए विनोद खन्ना 71 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए। उन्होंने 2 शादियां की थी, कॉलेज में 2 से संगीनी बनी, गीतांजलि से और फिर कविता से। पहली पत्नी का निधन हो गया था और अपने पीछे पत्नी कविता सहित 3 बेटे और 1 बेटी का परिवार छोड़ जाने वाले विनोद खन्ना का जीवन उनके फिल्मों की तरह ही काफी रोमांचक रहा। फिल्मी पर्दे पर एक विलेन के तौर पर विनोद खन्ना ने डेब्यू किया और फिल्म थी मन का मीत और 1969 का साल था। उस दौर में शायद ही ऐसा फिर कभी हुआ कि पर्दे पर किसी विलेन ने इतनी पॉपुलैरिटी बटोरी हो। और बताते चले कि पॉपुलैरिटी बटोरने के साथ ही वो फिल्मों में हीरो बनने लगे और देखते ही देखते सुपरस्टार बन गए। पूरा पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मस्ताना, मेरा गाँव मेरा देश जैसी कई फिल्मों के बूते विनोद खन्ना ने उस दौर में अपने एक्टिंग का अनुभव बनवाया। लेकिन कहते हैं ना कि हर रोशन चीज के पीछे एक अंधेरा भी होता है, विनोद खन्ना के साथ भी ऐसा ही था। सिनेमाई दुनिया में 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन का करियर भी उफान पर था। एंग्री यंग मैन बन चुके अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना में पर्दे पर तो हमेशा खूब दोस्ती दिखी, लेकिन बताया जा रहा है कि असल जिंदगी में दोनों कभी अच्छे दोस्त नहीं बन सके। कहने वाले तो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। ये दिलचस्प है कि अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने परवरिश, खून पसीना और हेरा फेरी और अमर अकबर अंतनी जैसी कई फिल्मों में साथ में काम किया है और दोनों सुपरस्टार्स थे। ऐसे में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद भी किया जाता था, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जिससे दर्शक अनजान थे।
उस दौर के लोग बताते हैं कि अमिताभ बच्चन अपने सामने विनोद खन्ना की बढ़ती पॉपुलैरिटी और करियर ग्राफ से ज्यादा खुश नहीं थे। कहते हैं कि दोनों की जो दोस्ती थी वो काफी ज्यादा सुर्खियों में थी, लेकिन दुश्मनी उससे भी ज्यादा। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि कई फिल्मों में तब मेकर्स ने विनोद खन्ना की पहली पसंद बताया था, यहाँ तक कि जिन फिल्मों में दोनों साथ में थे वहाँ भी कई बार अमिताभ बच्चन की जगह विनोद खन्ना को ज्यादा स्टारडम दिया गया, पावरफुल रोल मिले और उनका स्क्रीन टाइम भी ज्यादा रखा गया था। विनोद खन्ना रविवार के दिन शूटिंग नहीं करते थे, ये दिन वो परिवार के साथ बिताते थे। मेकर्स को विनोद खन्ना की ये शर्त भी खुशी खुशी कबूल थी। हालांकि अमिताभ और विनोद खन्ना ने कभी भी खुलकर इस बारे में कोई भी बात नहीं की, लेकिन ये बात विनोद खन्ना भी जानते थे कि अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में उनके रोल को कम करवाया है। और एक इंटरव्यू में जब विनोद खन्ना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि हम एक ही समय में फिल्में कर रहे थे और एक ही समय में आगे बढ़ रहे थे, तो कॉम्पिटिशन होना लाजमी सी बात है। ऐसे में हमारे बीच कॉम्पिटिशन जरूर था, लेकिन ये कहना था कि हम राइवल थे तो ये गलत होगा। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। एक तरफ जहाँ अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में आगे बढ़ते हुए खूब नाम कमाया, और तो वहीं मैं पॉलिटिक्स और अध्यात्म की तरफ जुड़ गया, फिल्मों से दूरी बना ली। दरअसल बताते चले कि पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में इसी बारे में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया और वो वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे समकालीन एक्टर्स ने मुझे सिनेमा की दुनिया में अकेला छोड़ दिया है। बहरहाल यकीनन अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना दोनों न सिर्फ बेहतरीन एक्टर्स रहे बल्कि एक समझदार इंसान भी रहे। फिलहाल आपको इन दोनों की ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट लाइव।